नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ताज और सलीम दोनों के बीच में एक मुलाकात होने वाला है। ये मुलाकात काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस मुलाकात में कई सारे सवाल होंगे जिसका जवाब सलीम को देना पड़ेगा। सलीम ने बहुत सारे सवाल के जवाब दिए हैं लेकिन सलीम को ऐसा लगता है कि उसने जो किया वो कोई अपराध नहीं है, जिसकी सज़ा उसे कानून दे रहा है ये भी ठीक नहीं है। यानी सलीम को बिल्कुल भी नहीं लग रहा उसने जो किया वो गलत किया। लेकिन ताज एक ऐसा लड़का, छोटा लड़का जिसका माँ बाप जो कह सकते हैं दोनों जेल में बंद है और कुछ ही महीने बाद जो कह सकते हैं दोनों को फांसी हो जाएगी। हालांकि अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि फांसी कब दी जाएगी लेकिन माना जा रहा है फांसी दी जाएगी, तो दोनों को ही फांसी दी जाएगी। तो अब ताज पहुंचने वाला है सलीम से मिलने के लिए और पूछने वाला है एक सवाल जिसका जवाब आपको आप हो सकता है कि आप दे दें, या अगर आप भी कुछ पूछना चाहोगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना ताकि लोगों तक आपकी बातें पहुंच सके। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ताज क्या पूछने वाला है अपने पिता सलीम से। एक सवाल पूछना चाहता है जो कह सकते ताज कि क्या जो ये पूछने वाला है कि सलीम और शबनम का जो प्यार है वो क्या इस तरह का हो गया था कि जहाँ पे परिवार को ख़त्म करना ज़रूरी था, क्या बातें करके, क्या जो कह सकते हैं जो लोग अपनाते हैं कि भाग करके चले जाना या किसी भी तरह से अलग रास्ता कोई बचा हुआ नहीं था, जहाँ पे दोनों शादी कर लेते, दोनों निकाह कर लेते, उसके बाद दोनों अपना जीवन जो है वो आगे बिताना शुरू कर देते। ये सवाल जो सबसे बड़ा सवाल है वो पूछने वाला है खुद ताज अपने पिता सलीम से। पूछने वाला है कि क्या हाथ कांपे नहीं आपका कत्ल करने समय में, इतना जो परिवार, एक जो परिवार था, जो खुशहाल परिवार था जिसको आपने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, क्या आपका हाथ नहीं कांपा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो ताज खुद पूछेगा अपने पिता सलीम से। तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है, क्या जवाब मिलने वाला है, कब पूछने वाला है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी वैसे ही आपको हमारा चैनल सबसे पहले आपको बताएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।